सीएल उडारिया में सचमुच तेजो जो है वो फतेह से परेशान हो गई है। फतेह हर बात का इशू बना रहा है। अभी बेचारी तेजो ने यही सिर्फ पूछा कि तुम्हारे गर्दन में ये कैसा दाग। अब फतेह जो है वो काफी चिल्लाने लगता है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक उसी तरीके से फतेह चिल्लाने लगता है तेजो पर, कहता है कि तुम कैसी सक्की वाइफ हो, हमेशा मेरे ऊपर शक करते रहती हो, और ये जो मेरा दाग है, मेरे गले पे जो दाग है, ये जलने की वजह से हुआ है। और फिर फतेह जो है वो अमरिक को बुला लेता है और अमरिक से कहता है कि बताओ अपनी भाभी को ये दाग मुझे कैसे हुआ है, हमारी बहन ने ये स्ट्रेटनर से जला दिया है। तो यहाँ पर अमरिक कहता है हाँ भाभी ये बात सही है। इसके बाद तेजो चली जाती है रूम में, जहाँ तेजो और फतेह के बीच में बहुत बातें होती है। तेजो कहती है कि तुम आजकल एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह करने लगे हो, घंटों गायब रहते हो, ना फ़ोन उठाते हो, ना किसी चीज़ का जवाब देते हो, आखिर क्या वजह है, क्या ऐसी बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर रहे हो, तुम्हें बताना होगा। और हम दोनों के मामले में तुमने अमरिक को क्यों घसीटा, मैं तुमसे सिर्फ पूछ रही थी, मुझे तुम्हारी चोट की फिक्र थी इसलिए मैं पूछ रही थी, मैं कोई शक नहीं कर रही तुम्हारे ऊपर। फतेह को ये तो मालूम है कि तेजो सही बोल रही है, लेकिन फतेह जो है अपनी गलती छुपाने के लिए ये सब कर रहा है। अंत में तेजो परेशान होकर कह देती है फतेह से कि आइंदा से मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, कोई सवाल नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है तुम करो। इसके साथ ही साथ तेजो ये भी कहती हो कि मेरे ऊपर तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं हो, मैं बीवी हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी। इसके बाद आपको बता दें कि तेजो वहां से चली जाती है और इधर फतेह बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है इन दोनों के बीच में फंसकर। देखना दिलचस्प होता है कि भाई फतेह कब सही डिसीजन लेता है और कब तेजो को सब कुछ बताता है।